थे उसको और उसको ट्यूनिंग कर दिए। ट्यूनिंग करने के बाद उसको बजाने लगे। बजाने के बाद 10 मिनट्स के बाद वो रॉकेट चली जाती है मैडम, वो रॉकेट चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, जिसको लोग $10 नहीं दे रहे, जिसको लोग $10 इज नॉट अबाउट अ टेक्निकल तो बहुत दूर की बात है मैडम ने बोला, 15% टेक्निकल इज 15%, व्हाट मैडम इज टीचिंग दैट इज 85%। ये पूरी टीम मिलके जितना हम लोग नहीं पढ़ा रहे मैडम अकेले पढ़ा रहे, 85% जैसे स्टूडेंट बैठे हैं वैसे हम लोग भी बैठे हैं। प्रैक्टिकल है, अभी प्रैक्टिकल भी मैं छोड़कर आ गया, अभी लेक्चर का वो भी छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ। तो उसका वैल्यू इंक्रीज होने लगा, वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज होने लगा। क्यों वैल्यू इंक्रीज होने लगा आपको बता सकता है कोई? बता सकता है वैल्यू क्यों इंक्रीज हुआ? $10 का जो वैल्यू था वो $1000 में बिका। क्यों? $10 का जो वैल्यू था वो $1000 में बिका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज आ गया था जो, हाँ वो क्वालिटी आ गया था। और फिर यहाँ पर या तो ये क्या और नहीं है कोई सुनो की तरह मॉडिफाई, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था ट्यूनिंग। कोई भी चीज का अगर ट्यूनिंग हो जाता है ना, कोई भी चीज का अगर ट्यूनिंग हो जाता है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू। और मैडम वही आज कर रही है, ये आपको ट्यून करना। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वैल्यू बढ़ा दिया सर। I'm so impressed, I'm so happy.